बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ब्याड़ में आयोजित 8वें जनमंच कार्यक्रम के अवसर पर लोगों की समस्याओं को सुनने तथा उनके समाधान करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम आम जन का लोकप्रिय कार्यक्रम बन चुका है और अब तक प्रदेश में हुए जनमंच कार्यक्रमों के माध्यम से 20,000 से अधिक लोगों की समस्याओं का निवारण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनमंच तथा प्री जनमंच में प्राप्त जन शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित करें। जनमंच कार्यक्रम में बड़सर विधानसभा क्षेत्र की 10 पंचायतें कड़साई, ननवा, मोरसू सुल्तानी, कलोहन, टिक्कर राजपुता, कनोह, करेड़, पहलू, मक्कड़ और सौर के अतिरिक्त आसपास की अन्य ग्राम पंचायतों से कुल 87 लोगों की बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, भू राजस्व तथा अन्य विभिन्न प्रकार के मुद्दों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई थी तथा प्री जनमंच में प्राप्त 56 शिकायतों में से 46 का निपटारा भी कर दिया गया था। वहीं जनमंच कार्यक्रम के दौरान प्राप्त की गई 31 विभिन्न प्रकार की शिकायतों के 10 दिन के भीतर निपटारे के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर 10 इंतकाल तथा विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। वहीं जनमंच कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से निःशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें आँख, कान, दांत, शुगर की बीमारी से ग्रस्त 252 लोगों की जांच की गई और उन्हें निशुल्क दवाइयां भी दी गई। मैं हर किसी को बार बार किसी तहसील हेडक्वार्टर पर जाना ना पड़े, जिला के हेडक्वार्टर पर ना जाना पड़े, प्रदेश की राजधानी में ना जाना पड़े, इस नेक नियत से श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। लोकतंत्र में समस्याएं भी आएंगी और उन समस्याओं का निराकरण भी होगा। लोकतंत्र में आवाजें भी उठेंगी, उन आवाजों को भगवान की आवाज समझ करके उन समस्याओं का हल हर महीने के पहले आप एतवार को जो मंत्री है वो हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये काम प्रभु की आवाज, सरकार की आवाज को समझ करके इसको हम मात्र औपचारिकता ना समझें और हम ये भी ना समझें कि किसी सड़क की यहां पर समस्या आई कौन है ना पूछने वाला। कोई बात नहीं, अब तो जनमंच हो गया, अपना काम निपट गया, इसको कोई हल्के में ना ले, इसको उस रूप में ना ले कि आज तो हो गया, हमारे से पूछा, हमने कुछ बता दिया, हम कोई और उसमें व्यवधान की संज्ञा किसी मंत्री को, जिलाधीश या अधिकारी को बता देंगे और हमारा काम पूरा हो जाएगा। मैं आपसे सभी से ये गुजारिश कर रहा हूं, ये समस्याएं जितनी आ रही हैं ये ऑनलाइन भी रजिस्टर्ड हो रही है, जवाबदेही अगर हमारे जैसे लोगों की है तो जवाबदेही अगर किसी पटवार सर्कल में पटवारी है तो उसकी भी जवाबदेही बनती है, उसकी भी जवाबदेही है। और जो यहां पर नहीं आए, एक किसी कांगो सर्कल के कांगो आए और कहने लगे अपने साथी की लीपा पोथी करने लग पड़े, तो बारिश बहुत है, या बारिश इन लोगों के लिए नहीं है, पटवारी के लिए ज्यादा बारिश हो गई, या जो अधिकारी यहां नहीं आए उनके किसी जूनियर ऑफिसर ने कहा उनको कोई पैरालिटिक प्रॉब्लम है, डीसी साहब को बताया, जिला का जिला प्रमुख जो है वो जिलाधीश होते हैं, क्या जानकारी दी? ये मनमर्जी वाला काम नहीं है, मैंने आदेश दिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको नोटिस भेजा जाए। जवाबदेही नौ तक सड़क नहीं है, जनता की आवाज को रखने के लिए वो बहन यहां पर आई,
अगर सुनने के लिए अधिकारी नहीं होंगे तो जनमंच किसके लिए?